वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूजीसी नेट के जो 2022 के फॉर्म्स हैं वो निकल गए हैं और उसके फिल करने की लास्ट डेट है 30th May। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम है वो विद इन 1 month और 2 months के बीच में कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है अपने पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्टार्ट या अपना प्रिपेयर करने से पहले आप उसको अपने सिलेबस को अच्छे से देख लो, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कितने उसमें सेक्शंस हैं और कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। इस वीडियो में हम पेपर टू मैनेजमेंट की सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आई विल टेल यू कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको पहले करने चाहिए और कौन से यूनिट्स जो हैं वो ज्यादा स्कोरिंग है जिससे आप कवर करके अपने मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हो। सो हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में। सो ऑन एन एवरेज हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि हर एक यूनिट में से 10 questions हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ईच क्वेश्चन 2 marks का। तो इस तरह से हमारा पेपर जो है वो डिजाइन होता है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं जो ज्यादा स्कोरिंग है, जिसमें से ज्यादा और कम पढ़ के भी हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे ओवरऑल यूनिट्स हैं, फर्स्ट में आता है मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, सेकेंड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थर्ड वन इज रीसेंट ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन फोर्थ में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स जिसमें कॉस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब आ जाएगा, देन वैल्यू एंड रिटर्न्स दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। और मार्केटिंग के कुछ लेटेस्ट ट्रेंड्स यूनिट 7 में है अलोंग विद कंज्यूमर बिहेवियर, देन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द लास्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन शॉर्ट आपके पास ये 10 units हैं जो आपको कवर करने हैं। सो आउट ऑफ 10 units अगर मैं बात करूँ कि कौन से यूनिट्स जो हैं वो आपको पहले करने हैं और जो इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो आपको करना है कवर मार्केटिंग यूनिट, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो आपका काफ़ी पोर्शन जो है कवर करता है आपके सिलेबस में से। ठीक है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मार्केटिंग में से आते हैं, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को कवर करो। आफ्टर दैट जो है वो आप OB एंड HRM जो है वो आप कवर करो, बिकॉज HRM भी बहुत ज़्यादा वाइड है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो HRM के भी आपके 2 units हैं और OB जो है वो एक पार्ट है, तो ये आपको कवर करना है। आफ्टर दैट जो है वो आप फर्स्ट वाला करो जिसमें मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स 2 चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं। तो अगर आप जो है इसको प्रायोरिटी वाइज करोगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेटर हो सकती है, क्योंकि जो भी यूनिट जो है ज़्यादा क्वेश्चंस या ज़्यादा मार्क्स आपको दिला सकता है उस यूनिट को आपको पहले करना चाहिए। बिफोर डिस्कसिंग द यूनिट्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप पनेशिया ट्यूटर पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एंड लाइफ साइंसेज। यहाँ पे आपको फुल वीडियो कोर्सेज अलॉन्ग विद नोट्स एंड MCQs जो हैं वो अवेलेबल है। सो आप वेबसाइट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अ फर्स्ट यूनिट इज मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये इटसेल्फ मैनेजमेंट को कवर करता है। तो ये यूनिट आपका 2 parts में डिवाइडेड है, एक मैनेजमेंट में और एक मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स में। पहले बात करते हैं कि मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। मैनेजमेंट में आके आपके कंसेप्ट्स, प्रोसेस एंड थियोरीज एंड अप्रोचेस, जिसमें आपकी क्लासिकल, न्यू क्लासिकल जितनी भी मैनेजमेंट की थियोरीज हैं, हेनरी और फ्योल की, जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे कंसेप्ट्स आएंगे। देन मैनेजमेंट रोल एंड स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट रोल्स में मिंसबर्ग का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली हमें रोल्स एंड स्किल्स बताए हुए हैं मैनेजर्स के। सो बहुत बार इसमें से क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शंस भी मैनेजमेंट के हैं, तो ये भी हमें करके जाने हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्रेपवाइन नेटवर्क है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वर्बल है, वो सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन बैरियर्स, बैरियर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जनरल बैरियर्स आपके होंगे जिसमें हम सिमेंटिक बैरियर्स बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, और बहुत से ऑथर्स ने भी अपने अकॉर्डिंगली बैरियर्स की डेफिनेशन दी है, कौन कौन से बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल ये टॉपिक ईजी है, छोटा है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। देन डिसीजन मेकिंग, उसमें आ गया उसका कंसेप्ट, प्रोसेस, टेक्निक्स एंड टूल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टाफ, ए लाइन, देन फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको करने हैं। देन टाइम्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सारे टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, अलॉन्ग विद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये टर्म्स बेसिकली इतनी डिफिकल्ट नहीं है लर्न करना, आपको जो है आइडेंटिफाई करना कि कौन से क्वेश्चन में वो किस टर्म की बात
बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए हर एक टर्म को वर्ड वाइज कि लिटरली उस टर्म का मीनिंग क्या है और कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं उस टर्म को डिफाइन करने के लिए। एंड लास्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सो मैनेजमेंट के ये सारे ही टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही जो है वो मैनेजमेंट है, तो आप उसमें से ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन फर्स्ट यूनिट में ही हमारा सेकेंड पार्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में आपके दो पार्ट्स हैं, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वैसे तो इकोनॉमिक्स बहुत वास्ट है लेकिन आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, इलास्टिसिटी और मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो करने हैं, ठीक है, तो इतना ही मेंशन है सिर्फ आपके सिलेबस में। तो पहली प्रेफरेंस आप इन यूनिट्स को दो, उसके बाद जो माइक्रो के अदर यूनिट्स हैं जैसे प्रोडक्शन हो गया, सेल्स, रेवेन्यू, बाद में करना, बट पहले आप डिमांड, यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व, ये सब चीजें, एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें आपके आ जाते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, हर एक मार्केट के जो है फीचर्स आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको फीचर्स दिए होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से मार्केट में इंक्लूड होता है, कौन से में नहीं होता है। तो ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास माइक्रो के जो है नेशनल इनकम के मेथड्स आ गए हैं, नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना है, जीडीपी, जीएनपी में क्या डिफरेंस है, वेरियस डेफिनेशंस जो आपके नेशनल इनकम में दी जाती हैं वो आपको कवर करनी है, एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार उसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के रीजंस क्या है, देन डिमांड और कॉस्ट के पुश पुल फैक्टर्स जो है वो पूछ लेते हैं। सो बहुत छोटा सा टॉपिक है मैक्रो में, तो इतनी लिमिटेड पार्ट ही आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे कवर हो रहा है, तो ज्यादा कुछ हमें उसमें से करने की जरूरत है नहीं। और इन टॉपिक्स के अलावा हमारे यूनिट वन में कुछ टॉपिक्स मेंशन है जिसके सिर्फ मीनिंग कर लोगे अच्छे से वही सफिशिएंट है, जैसे कि बिजनेस एथिक्स है, एथिकल इश्यूज है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो एथिकल इश्यूज, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यहाँ पे इनका मीनिंग क्या है अच्छे से डिफाइन करना। और इसके अलावा यूनिट वन में हमारे पास आता है बिजनेस एथिक्स एंड CSR, एथिकल इश्यूज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो इस टर्म्स को क्लियर करना क्योंकि थोड़ी सी रिलेटेबल टर्म्स से कंफ्यूज करती है, तो इनकी डेफिनेशन ही बहुत सफिशियंट है, कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो सफिशियंट है। देन नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट टू की, तो यूनिट टू भी आपका दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, एक है आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थियोरीज सारी की सारी, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, सारी थियोरीज जो है और कौन सी थियोरी कौन से ऑथर ने दी है वो आपको याद करना है। देन इंडिविजुअल बिहेवियर में पर्सनैलिटी, उसकी मीनिंग, उसकी थियोरीज, देन परसेप्शन, मीनिंग, वैल्यूज, एटीट्यूड, लर्निंग एंड मोटिवेशन, इसकी थियोरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन हमें मिल जाता है इनकी थियोरीज में से। देन ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर में ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इसका एक एक ही टॉपिक है जैसे कि, तो इन टॉपिक्स को हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअली मेंशन है आपके सिलेबस में। ग्रुप बिहेवियर में लीडरशिप आ जाता है, लीडरशिप की थियोरीज भी आपको करनी है, एंड देन ग्रुप डायनामिक्स, एक ग्रुप डायनामिक्स का प्रोसेस है, ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये टॉपिक अगर आप करोगे तो ये टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, मतलब बहुत ईजी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में इनको डिफाइन किया हुआ है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आया था। देन ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस एंड विसल ब्लोइंग, तो ये दो टर्म्स मेंशन है आपके सिलेबस में, तो बहुत अच्छे से इन टर्म्स को करके जाना है हमने, ठीक है। तो आप अगर देखो तो आपके मैनेजमेंट में ना या तो थ्योरीज होती हैं, तो थ्योरीज में आपको उस थ्योरी की डेफिनेशन, वो थ्योरी किसने प्रोवाइड की है वो आपको याद करनी है, और उसके अलावा अगर आपको सिलेबस में टर्म्स मेंशन है, जैसे विसल ब्लोइंग है, ये एक चैप्टर नहीं है, एक टर्म है, तो विसल ब्लोइंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती है ना वो करके जाओ क्योंकि छोटे टॉपिक्स हैं, इंडिविजुअली मेंशन है, तो ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं उसमें से। यूनिट टू का सेकंड पार्ट है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसके भी सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के मेथड्स ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, एंड देन जॉब एनालिसिस, जॉब इवेलुएशन, जॉब डिजाइनिंग, जॉब रीडिजाइनिंग, ये सारे टर्म्स जो हैं वो इसमें मेंशन है। देन कंपनसेशन मैनेजमेंट, कैसे हमने उनको
कंपनसेट करना है, कैसे इंप्लॉयज की जो है परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, वो सब आपने करना है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने वाले ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में सिर्फ आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या मैनेजमेंट है, उसके अलावा जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की वो थर्ड यूनिट में कवर हो रहे हैं। तो थर्ड यूनिट आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, लिमिटेड सा है, सिर्फ टर्म्स हैं जैसे कि कॉम्पिटेंसी मैपिंग है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, करियर प्लानिंग एंड करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल। अप्रेजल के आ जाते हैं मैथड्स, ट्रेडिशनल मैथड्स हैं आपके, मॉडर्न मैथड्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस की गई हैं। तो ये सारे टर्म्स हैं, ज़्यादा कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, पर हर एक टर्म की डेफिनेशन, हर एक टर्म का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो तो सारे रिलेटेबल टर्म्स हैं। हम लोग एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, तो ये सारी ना मिक्स होने वाले टर्म्स हैं। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी करना है इस यूनिट में। उसके अलावा आपके पास इस यूनिट में आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डिस्प्यूट्स जो अराइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में लेबर और टॉप मैनेजमेंट के बीच में, उसको कैसे हैंडल करना है, ग्रीवियंस मैनेजमेंट, यूनियंस रिलेटेड कैसे सेक्शंस बने हुए हैं, रूल्स कैसे बने हुए हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। एंड ग्रीन एचआरएम, ग्रीन एचआरएम बिल्कुल ही लेटेस्ट टॉपिक है, तो इसमें से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये यूनिट जो है वो काफ़ी छोटा है, लिमिटेड जो टॉपिक्स इसमें मेंशन है, ठीक है। तो अगर आप एचआरएम कर रहे हो तो ये साथ के साथ ही आपका रिवाइज हो जाएगा। आफ्टर दैट यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, तो एक तो ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बट 3-4 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिकल में आने के चांसेस हैं। एंड फॉर दैट आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो याद करने हैं। तो पहले आप ये ही करो कि जो भी चैप्टर या जो भी यूनिट आप उठा रहे हो उसके फॉर्मूलाज 1-2 पेजेस पे लिख लो, ताकि एवरी डे जब आप उन फॉर्मूलाज को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में बैठ जाएंगे और याद हो जाएंगे। क्योंकि फॉर्मूलाज डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो फॉर्मूला में क्या कोई टर्म डिपिक्ट कर रही है वो पूछा जाता है। और अकाउंटिंग हमारी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें आते हैं आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स आपको एज इट इज याद करने हैं कि कौन से स्टैंडर्ड में कौन सी डेफिनेशन या कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो बताई गई है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 किसके लिए है, 17 किसके लिए है। देन स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनके एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो। कैश फ्लो में से बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, कैश फ्लो एनालिसिस की टर्म्स जो है वो पूछ लेते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है, ऑपरेटिंग कौन सी है। देन रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूलाज वो पूछते हैं आपसे। देन ड्यू पॉइंट एनालिसिस, छोटा सा टॉपिक है तो उसका फॉर्मूला आपको याद करना है। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सीवीपी एनालिसिस, इनके फॉर्मूलाज अच्छे से आपको याद करने हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, आपको फॉर्मूलाज ही याद करने हैं। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा थ्योरी हो गया, तो वेरियंस एनालिसिस की फॉर्मूला, इसमें से भी आ ही जाता है क्वेश्चन कि आपके पास 3 तरह के एनालिसिस है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के। तो वेरियंस एनालिसिस जो है इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके फॉर्मूलाज एज इट इज पूछे जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप कह सकते हो, इसमें आपके आते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट एंड फंक्शंस क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, बजटिंग, ये सारी टेक्निक्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये सारी टेक्निक्स जो हैं इसमें मोस्ट ऑफ द थियोरीज हैं। सो एफएम में आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी थियोरीज क्या हैं, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, इनके फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं। बजटिंग इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बजट कौन से होते हैं, ठीक है, बजटरी कंट्रोल क्या है। जीरो बेस बजटिंग अलग से मेंशन है, तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होएगा, ठीक है, उसका टर्म और डेफिनेशन और बाकी बजट से डिफरेंट कैसे है वो आपको याद करना है। देन लिवरेजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इनके फॉर्मूलाज, कि आप ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज के फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लो। ईबीटी और ईपीएस एनालिसिस में भी आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस लेवल। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो आपका थियोरीज या फॉर्मूलाज जो है वो कवर करता है। तो अकाउंटिंग में आपके लिए जरूरी है कि आप हर चैप्टर के फॉर्मूलाज पहले लिख लो और उसके बाद उस यूनिट को कवर करो।
देन नेक्स्ट इज यूनिट 5 वैल्यू एंड रिटर्न्स. ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो आपकी बुक है वही कवर कर देगी. इसमें आता है आपका वैल्यू एंड रिटर्न्स, जिसमें टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स, इसके आपको फॉर्मूलाज करने हैं कि हम लोग कैसे शेयर्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं. रिस्क एंड रिटर्न्स, इसमें टाइप्स ऑफ रिस्क, कौन कौन से रिस्क जो हैं वो आपके होते हैं वो आपको करना है. कैपिटल बजटिंग, उसके मेथड्स, कैसे हम लोग चूज करते हैं कि कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है. बहुत सारे मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स. तो कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में से. बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट आए हुए हैं कि कौन से मेथड का क्या रूल है इवैल्यूएट करने का. देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, डिविडेंड की थियोरीज एंड डिटर्मिनेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी 4 टाइप्स की थियोरीज है, नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है मोदी गिलानी की है. तो ये थियोरीज आपको, इनके फीचर्स, इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो डेफिनेटली याद करके जाने हैं. देन मर्जर एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यू क्रिएशन, ये सब जो है एक आप ओवरव्यू दे सकते हो. सिर्फ इसकी डेफिनेशन या इसकी जो नॉर्मल मीनिंग है उतना भी कर लोगे तो सफिशियंट है, बिकॉज इसके लॉन्ग फॉर्मूलाज है नहीं जो पेपर में आ सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास आता है यूनिट 5 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, CAP हो गया, APT हो गया, देन डेरिवेटिव्स, इन सब की जो मीनिंग्स हैं, ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन पे ऑफ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. उसके अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या हम डिटर्मिन कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूलाज हो गया, और एक टाइप्स हैं वर्किंग कैपिटल की, वो आपको करनी है, ठीक है. बाकी इसके फॉर्मूलाज एज सच नहीं है WCM के. देन पेबल मैनेजमेंट, फैक्टरिंग एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फॉरन एक्सचेंज मार्केट. सो बेसिकली जो आपका यूनिट 5 है वैल्यू एंड रिटर्न्स, वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है. तो पहले आप यूनिट 4 कवर करो, उसके बाद जो है आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा. तो पहले आप प्रेफरेंस यूनिट 4 को कवर करने की. नेक्स्ट यूनिट है हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि MBA में हमारी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है, तो इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस हम इसमें से देख सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपका जो बहुत सारी अप्रोचेज हैं, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, कोई चैप्टर्स नहीं है बड़े बड़े. आपको जो है एनालाइज करना है, एक्सटर्नलाइसिस, पेस्ट एनालिसिस, पॉटर एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, तो ये सारे एनालिसिस जो हैं वो आपको अपने माइंड में बस क्लियर करने हैं, ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चंस कोई नहीं है इसमें कि इसको टाइम लगेगा करने में, बहुत जल्दी इजीली ये एनालिसिस जो हैं कवर हो जाते हैं. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, की एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी स्ट्रैटेजीज हमारे पास होती हैं, एक मार्केट को देख के कि आप ग्रो कर सकते हो, स्टेबिलिटी की स्ट्रैटेजीज, रिट्रेंचमेंट, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज. देन आप अपने बिजनेस का पोर्टफोलियो कैसे एनालिसिस कर सकते हो, आप कैसे देख सकते हो कि आपके बिजनेस में मार्केट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, कितनी हैं, उसके लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं. BCG का मैट्रिक्स है, GE का बिजनेस मॉडल है, देन NSF का मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स है. तो ये आपको एनालिसिस करना है, देन उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और मैकेंसी का 7S फ्रेमवर्क. तो ये जो पार्ट है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, ये सिर्फ टर्म्स इंक्लूड कर रहा है, तो आपको टर्म्स की क्लैरिटी रहनी चाहिए. उसके बाद इसी में हमारा जो है कुछ पार्ट मार्केटिंग का आता है, कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है. ओरिएंटेशन मीन्स कि मार्केटिंग का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले जैसे प्रोडक्शन फिलॉसफी थी, देन सेल्स फिलॉसफी आई, मार्केटिंग आई, देन अभी जो है सोशियोलॉजिकल मार्केटिंग चल रहा है, ग्रीन मार्केटिंग आ रहा है. तो इस तरह से मार्केट की ओरिएंटेशन कैसी हुई है वो इंपॉर्टेंट है. कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है. मार्केट की सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग एंड टारगेटिंग, इसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये यूनिट आपका ऐसा है कि आपको जो भी क्वेश्चंस देखेंगे अपने MCQs में, वो सारे ही आंसर्स आपको ठीक लगेंगे, लेकिन आपको चूज एक करना है. तो हम लोग ये करते हैं कि जो भी ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज लग रहा है उस क्वेश्चन की, हमने वो चूज करना है, क्योंकि ये ऐसे हैं कि इनडायरेक्टली आपको सारे आंसर्स ही ठीक लगेंगे, उसका आंसर सही गलत भी हो सकता है. तो आपको जब तक टर्म्स क्लियर नहीं होंगे कि टारगेटिंग क्या है और टारगेटिंग रिलेटेड स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है, आप चूज नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे 4 P's. तो 4 P's तो आपको कवर करने ही हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन जो है, ये 4 P's रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपके बुक में मेंशन है वो सारे के सारे, जितना हो सकता है मार्केटिंग आप कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि मार्केटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं. आप देखो कि आपका यूनिट 7 जो है ना वो भी मार्केटिंग कवर कर रहा है, उसमें आ जाता है रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग,
तो आपका यूनिट 7 भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका कंज्यूमर बिहेवियर और दूसरा है आपका रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। तो कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर बिहेवियर की मॉडल्स हैं, यही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्रांड का टॉपिक अलग से मेंशन है कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड की मैनेजमेंट, ब्रांड की प्लानिंग, लोगों को कैसे बनाना है, ब्रांड के जो मॉडल्स क्या क्या हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, ठीक है। 2-3 पेज करके आपका जो है ये पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाता है। आफ्टर दैट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किस तरह से हम लोग अपनी सप्लाई को डिजाइन कर सकते हैं, ड्राइवर्स कैसे होते हैं, सेल्स फोर्स कैसे बना सकते हैं ताकि सप्लाई ईजिली हो जाए। उसके बाद हमारा आता है ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिसेंट जो इन्वायरमेंट है ना उससे रिलेट करता है। तो मार्केटिंग ट्रेंड्स में एक आता है आपका सर्विस मार्केटिंग, एक आता है आपका CRM कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, एक आता है आपका रिटेल मार्केटिंग, देन अभी ई मार्केटिंग का कंसेप्ट आया है, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, ग्रीन मार्केटिंग हो गया, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो गया। तो ये सारे ट्रेंड्स हैं मार्केटिंग के, तो इससे रिलेटेड पहले तो टर्म्स क्लियर करो एंड देन जो भी स्ट्रेटजीज पढ़ सकते हो आप वो आपको क्लियर करनी है। देन यूनिट 8 इज स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये भी समवट आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो थोड़े बहुत कवर करता है, ठीक है। पहला पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स का, तो स्टैटिस्टिक्स में आपके सबसे इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मिक मीन, सबके फॉर्मूलाज आपको करने हैं। देन डिस्पर्शन के फॉर्मूलाज, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, ये सब इंपॉर्टेंट है। इन सबके फॉर्मूलाज, इन सबकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टीज वो पूछते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी आपको इनकी प्रॉपर्टीज करनी है कि बायनोमियल क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। और ये सब जो पार्ट है आपका, ये आपका पेपर 1 में भी कवर हो रहा है रिसर्च यूनिट में कि डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये अगर आप पेपर 1 में कर ही रहे हो तो इसमें भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। उसमें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च का पार्ट है और ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा रह जाता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैट्स में आपकी ना लिमिटेड से टॉपिक गिवन है, अदरवाइज स्टैट्स बहुत वाइड है बट आपके सिलेबस में लिमिटेड से टॉपिक मेंशन है, तो पहले फोकस इसके ऊपर करो कि ये कवर करना है हमने। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ और स्टैट्स के टॉपिक कर सकते हो। देन सेकेंड पार्ट जो है यूनिट 8 का वो आता है ऑपरेशन रिसर्च में, जिसमें ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स आ गई हैं, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, क्यूइंग थ्योरी हो गया, पर्ट CPM हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इन सब में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू जरूर देना चाहिए इनको, जिसमें आपका प्लांट लेआउट, आप कैसे अपने प्लांट को डिजाइन करते हो, लोकेशन कैसे डिसाइड करते हो, ERP आ गया है, देन सिक्वेंसिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज हम OR में करते हैं, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और स्टेटिस्टिकल कंट्रोल की टेक्निक्स जो कि है आपकी काइजन, बेंचमार्किंग, सिक्स सिग्मा, ISO, क्वालिटी सर्कल्स, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट्स की काइजन क्या बात कर रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, देन बेंचमार्किंग क्या बताता है, सिक्स सिग्मा क्या बताता है, ये आपको पहले करना है। बाकी ऑपरेशन रिसर्च का जो है वो आप एक ओवरव्यू दे सकते हो जिसमें कंसेप्ट्स, रोल, स्कोप क्लियर हो जाएगा आपको। तो यूनिट 9 भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका इंटरनेशनल बिजनेस और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IB में आपकी जो है ग्लोबलाइजेशन को मैनेज करना, थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सी थियोरीज हैं, मर्केंटाइल थियोरी है, कंपैरेटिव थियोरी है, वो आपको करनी है। देन FDI का मीनिंग और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, देन WTO के जो भी अरेंजमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने रेगुलेशंस बनाई हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो आपको करनी है। इंटरनेशनल प्रोसीजर्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, वो याद करने हैं। एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की IMF, वर्ल्ड बैंक या बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इंटरनेशनल लेवल पे क्या रोल है, ठीक है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक या इसके अलावा और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, उनकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, पर्पस क्या है, कौन सी कंट्रीज इनकी मेंबर्स हैं, वो आपको करना बहुत जरूरी है। तो IB का पार्ट हो गया जिसमें आपके इंस्टीट्यूशंस और एग्जाम पॉलिसीज या फॉरेन ट्रेड रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये आपको बाय हार्ट कह लो कि रट्टा मारना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
जिसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, सो लिमिटेड सा पार्ट भी आप कर सकते हो, जिसमें आप MIS का मीनिंग हो गया, DSS हो गया, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा. बाकी जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही जनरल हैं, ठीक है. डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग, इन सब के मीनिंग एंड कंसेप्ट कर लोगे, सफिशेंट रहेगा. ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट में नहीं आते हैं, तो इसको आप सबसे लास्ट में भी कर सकते हो, पर करके जाना, क्योंकि इसमें से जो टॉपिक्स आते भी हैं ना वो बहुत सिंपल हैं, ठीक है. जैसे MIS, DSS का मीनिंग अगर आप करने बैठोगे तो बहुत ईजी आपको याद हो जाएगा. एंड द लास्ट यूनिट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन बिजनेस. तो इसमें तो पहले हमारी मीनिंग कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स और प्रोसेस, कि एंटरप्रेन्योरशिप बनने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. फेबियन हो गया, बहुत सारे टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, अलग अलग तरीके से हम डिफाइन करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट, प्रोसेस, क्योंकि इंटरलेटेड टर्म है तो उसमें से भी बहुत बार आता है. बहुत बार क्वेश्चन आया है कि आपको मैच द फॉलोइंग दिए हैं, आपको डेफिनेशन दिए हैं, आपको ऑथर्स के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि कौन से ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन दी है एंटरप्रेन्योरशिप की या इंटरप्रेन्योरशिप की. देन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए आपको इसकी स्कीम्स करनी है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो बनाई हैं वुमेन के लिए. देन कौन सी स्कीम्स बनाई हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए. और ये जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े से जनरल हैं कि बिजनेस में इनोवेशन कैसे आ सकती है, क्या प्रोसेस फॉलो होता है, टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या हैं, फिजिबिलिटी टेस्ट एनालिसिस कैसे होता है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. तो ये थोड़ी ना जनरल टर्म्स हैं, तो आप सिर्फ एक बार रीडिंग भी दोगे तो इजीली हो जाएगा. लर्न आपको करना है इसमें जो आपकी स्कीम्स हैं, स्कीम्स कब लॉन्च करी, किसने लॉन्च करी, उसके लिमिट क्या है, वो आपको इसमें याद करना है. इसके अलावा आपका आता है MSME, जिसमें आपके माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं, क्या उन्होंने उसके लिए लिमिट्स डिसाइड करी हैं कि कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल है, कौन सी माइक्रो है. देन सिकनेस का टॉपिक बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है, कि कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री सिक कैसे हो सकती है, ये करना है हमें. देन इंस्टीट्यूशनल टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जैसे कि हमारे पास है RRB है, कमर्शियल बैंक्स हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये आपको याद करना है, ठीक है. बहुत सारे बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो इन इंस्टीट्यूशंस के नेम्स, उनके फंक्शंस, उनके ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको याद करने हैं. सो 10th यूनिट जो है वो आपका, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ही डील करता है, तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, लिमिटेड से टॉपिक्स हैं, तो वो सारे करने ही जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं इतने से लिमिटेड टॉपिक्स में से भी आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. So this is all for now. If you have any query, you can write it in the comment box. And if you like this video, you can hit the like button. Thank you.